सो हेलो गाइज, आप सभी को पहले करना क्या गाइज, देखिए पहले इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना एंड उसके बाद जाना आप सभी को एड फोटो में गाइज, ठीक है। एड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना, ठीक है गाइज। एंड मैं गाइज पहले मॉडल को ले लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज इसका मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इसका रखा है, जिसको बैकग्राउंड इसका नहीं आता मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो वीडियो का लिंक दे रखा प्रॉपर मतलब समझा रखा है, बैकग्राउंड क्रिएट कर लेना। तो गाइज इसके बाद जाना आप सभी को एड फोटो में, ठीक है। एड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को फायर की पीनजीज लेना, ठीक है। तो गाइज मैं जितने बैकग्राउंड पीनजीज का यूज़ करूँगा गाइज सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपली वीडियो को देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो गाइज पहले मैं ये वाला पीएनजी ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली इस तरीके से यहाँ पे नीचे की साइड में लगा लेता हूँ। तो गाइज इसके ब्लेंडिंग मोड में जाना है आप सभी को एंड इसको करना स्क्रीन, ठीक है। एंड इसके बाद कर लेना सिंपली डन। एंड गाइज इसके बाद जाना आप सभी को दोबारा एड फोटो में एंड चार पाँच फायर के पीएनजी लेंगे गाइज हम, ठीक है, एक साथ। तो ये ले लेते हैं हम सारे, ठीक है। तो गाइज पहले हमें ये वाला ले लेना एंड उसके बाद गाइज क्योंकि बड़ा है तो इसको हम पहले ये ले लेते हैं, उसके बाद हम उन तीनों चारों को ले लेंगे गाइज, ठीक है। तो पहले हम इसको ब्लेंडिंग मोड में स्क्रीन करेंगे एंड गाइज देखिए फेस पे हमारे को ज़्यादा आया, तो गाइज हम इसको रोटेट करके हम इसको हम नीचे की साइड में लगा लेंगे गाइज इस तरीके से, ठीक है। तो हम इस तरीके से लगा लेते हैं एंड सिंपली करते हैं डन। एंड गाइज उसके बाद जाना हमें ऐड फोटो में एंड गाइज इसके बाद हम सारे पीएनजी इसको ले लेंगे फायर वाले जितने भी हैं। तो ये चार पांच पीएनजी गाइज आप सारे को मैं दे दूंगा आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डाउनलोड कर लेना। तो गाइज मैं ले लेता हूँ, तो ये मैंने ले ली तीनों। तो पहले हम चलते हैं एक इसको, पहले हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं एंड स्क्रीन कर लेते हैं एंड इसको हम सिंपली साइज़ बड़ा करेंगे एंड इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं एंड गाइज इस वाले पे जाएंगे एंड इसका ब्लेंडिंग मोड हमें स्क्रीन रख लेना है एंड इसको भी हम ऐसे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है गाइज। तो आप भी लगा लेना, ठीक है। तो आप भी इसको लगा लेना एंड चलते हैं इस वाले में एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को भी हम इसको रखेंगे स्क्रीन एंड सिंपली हम इसको इस साइड में रखेंगे एंड इस तरीके से एंड इस साइड में गाइज सबसे लाइन लाइन दिख रही होगी, तो हम इसमें इरेजर टूल में जाके एंड हार्डनेस को कम करके साइज को फुल करके हम इसको इरेज कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सिंपली हम ऐसा करते हैं डन। तो गाइज हमारे पीएनजीज वगैरह तो सब कुछ लग चुके हैं, तो गाइज अब हम करेंगे कलर करेक्शन। पहले कर लेते हैं फोटो को सेव ड्रॉ टूल में जाके, तो यहाँ से हम फोटो को सेव कर लेते हैं एंड चलते हैं बैक एंड लाइटरूम ऐप में इसकी कलर रीडिंग करेंगे। तो लाइटरूम ऐप को ओपन करते हैं एंड गाइज अभी यार अभी तक आप सभी ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, क्योंकि हम 2000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर ही लेना। तो गाइज ठीक है, तो हमने फोटो को ओपन कर लिया एंड ऑल फोटोज़ में जाके हम अपने फोटो को ले लेते हैं, ठीक है गाइज। तो हमने फोटो को ले लिया एंड उसके बाद स्लाइड वाले ऑप्शन में जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, ठीक है गाइज, एंड शेडो को कम कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, एंड ब्लैक को भी कम कर देंगे एंड जाएंगे गाइज नीचे वाले टूल में, अब वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे एंड जाएंगे मिक्स में एंड ह्यू रेड कलर की ह्यू को माइनस करेंगे एंड ऑरेंज कलर की ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड करेंगे सिंपली डन, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी गाइस, ठीक है। एंड नीचे वाले टूल में जाएंगे, क्लियरिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बस क्लियरिटी बढ़ानी है। एंड नीचे वाले टूल में जाना है, फोटो शार्पनेस को बढ़ाना है एंड फोटो इंट्रोडक्शन को बढ़ा देना है एंड कलर इंट्रोडक्शन को भी बढ़ा देना है, ठीक है। एंड गाइस देखिए मैं आप सभी को आफ्टर एंड बिफोर दिखाता हूँ, ये बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।